हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो सब लोग? वीडियोस देखे आइडेंटिटीज पार्ट वन और पार्ट टू के? ठीक है, अपन ने उसमें 8 आइडेंटिटी सीखी थी, सबको समझ में आया होगा, सबने सॉल्व किया होगा। आज अपने लास्ट और फाइनल वीडियो करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूँ। क्यों टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल? तुम्हारा एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे अपने लोग अब, और नेक्स्ट चैप्टर का तुमको टाइमिंग डिटेल सब कुछ मैं शेड्यूल कर दूंगा। यस, तो अपने लोग आइडेंटिटीज पार्ट थ्री आज लास्ट वीडियो बना रहा हूं मैं इसका, और उसमें सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवाने वाला हूं टेक्स्ट बुक के। स्टैंडर्ड नाइन्थ के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.5 के पहले जितने एग्जाम्पल्स है, 16 से लेकर 25 एग्जाम्पल्स तक, वो अपने सॉल्व करने वाले है। यस ऑल ऑफ यू, चलो बुक्स और पेन लेके रेडी हो जाओ सबके साथ। चलो अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। आइडेंटिटीज एग्जाम्पल 16 से लेके एग्जाम्पल 25 तक दिए हुए, तो एग्जाम्पल 16 स्टार्ट करते हैं अपने लोग। एग्जाम्पल 16 तो नॉर्मली बहुत इजी बोल सकते हैं, या ऐसे तो सब कुछ इजी है, पर सॉल्व तो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 16 में दो एग्जाम्पल है, दो पॉइंट्स है। मैं सेकेंड वाला कराऊंगा, फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी है। ठीक है, सेकेंड वाला एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फाइव। Yes, all of you. अब देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, x माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। कौन सी आइडेंटिटी? सबसे पहले आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबको। आइडेंटिटी नंबर है कौन सी है? फोर। यस, वेरी गुड। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्या थी? ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट इंटू छोटा ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट। याद है, इधर जो होगा फर्स्ट नंबर माइनस थ्री प्लस फाइव, इधर x, इधर माइनस थ्री और इंटू फाइव। हो गया सॉल्व, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, 5 3 15। क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई परेशानी नहीं किसी को भी? एग्जांपल 16 का सेकंड वाला सबको समझ में आ गया। चलो 17 की ओर बढ़ते हैं अपने, धीरे धीरे करेंगे एक एक एग्जांपल। ठीक है, उसमें कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, पर करना तो अपने को ही है। ठीक है, मैं इसलिए आज टेक्स्टबुक के एग्जांपल्स ही कर रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं करवाने वाला, आज सिर्फ टेक्स्टबुक के एग्जांपल्स करने वाला। नए अपन ने पहले दो क्लास में बहुत सारे सम्स किए होंगे, 10-10 सम तो मैं कम से कम करवाए हैं। चलो एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 17 में हमको दिया है शायद 105 इंटू 106। अब तुम सोच रहे हो, अरे यार तो नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। नहीं, आइडेंटिटीज का यूज करना है। किसका यूज करना है? आइडेंटिटीज का यूज करना है। क्या आइडेंटिटी होगी इसमें? 100 प्लस 5 और इधर क्या होगा? 100 प्लस 6। आई बात समझ में? 100 प्लस 5, 100 प्लस 6। चलो ये हो जाएगा कौन सी आइडेंटिटी? वापस बोलो, फोर्थ वाली। ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बड़ा ब्रैकेट इंटू छोटा ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5 प्लस 6, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5 इंटू 6। फोर्थ आइडेंटिटी याद है ना सबको? तो ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। 5 प्लस 6 1100, 5 इंटू 6 30, इतना तो सबको आता है। ये हो जाएगा 1130, दिस इज माय फाइनल आंसर। 17th एग्जांपल तो बहुत इजी था। चलो 18th, हाँ यहाँ थोड़ी अच्छी चीज आई है, ये अपने लिए बोल सकते हैं। ये रिवर्स वर्किंग वाला समय, कौन सा समय ये? रिवर्स वर्किंग, जो मैं तुमको बोल रहा था दो दिन से, दो वीडियो से, कि भाई देखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आएंगे इसमें, वही सम करने जा रहे हैं। दोनों करवाऊंगा, 18 के अंदर दो पार्ट, दोनों पार्ट अपने करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट 49a² प्लस 70ab प्लस 25b². ठीक है, क्या दिया हुआ है ये? कुछ नहीं, अरे तो आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी का है? तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का है ना, उल्टा पार्ट। कैसे उल्टा पार्ट पता चलेगा हमको? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमको ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। किसकी आंसर बताया था मैंने ये तुमको? फर्स्ट आइडेंटिटी का। 49 किसका स्क्वायर है? 7a का। 25 किसका है? 5b का। यहाँ पे लिख दो 7a, यहाँ पे लिख दो 5b, है ना। 7a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अरे वापस वो आंसर मत लिख देना कि 7a 49 ये सब करोगे, वापस उधर ही पहुंचोगे। क्या करना है हमको? हमको उल्टा स्टेप करना है। हमको क्या करना है? उल्टा स्टेप। हमको इसको लिखना है 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, दिस इज माय फाइनल आंसर। गलती समझ में? तुम लोग क्या करते हो, इसको वापस स्क्वायर लिख दोगे। 7a किसका? 49, ये 70, ये 25, तो तुम वापस यहाँ पे ही पहुंच जाओगे।
हमको वो थोड़ी करना है, हमको तो आंसर पे पहुंचना है। तो इसको रिवर्स वर्किंग बोलते हैं। नॉर्मली यहाँ से यहाँ हम लोग को करना आता था, अब हमने आज उल्टा सीखा है यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं वो। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो 18th का सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, 18th का सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। 25/4x²-y²/9 25/4x²-y²/9 यही है। हाँ, कौन सी आइडेंटिटी? थर्ड वाली। कौन सी आइडेंटिटी? थर्ड वाली। कैसे पता चलेगा? ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/2x, ये हो जाएगा y/3। यस ऑल ऑफ यू, ये कितना हो जाएगा? अरे वापस वो लिखोगे तो वही बात है, उल्टा चल रहा हूं मैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। दैट इज माई फाइनल आंसर, दैट इज माई फाइनल आंसर। आई बात समझ में सबको? थोड़ी अलग चीज थी पर अच्छी चीज थी। चलो एग्जाम्पल 19 की ओर बढ़ते हैं अपने। अब देखो एग्जाम्पल 19, 20 और 21 तीन सेम है, तो 19 तुम होमवर्क करोगे क्योंकि इजी है, मैं तो इजी चीज पढ़ाता नहीं हूँ, अपने तो टफ चीज पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 20 मैं करवाऊंगा, एग्जाम्पल 20 मैं करवाऊंगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो तुम बताओगे, वो भी मैं नहीं बताऊंगा, वो तो तुम ही बताओगे, तुम होशियार लोग हो सब लोग। ये चीज दी हुई कौन सी लगेगी? याद आ गई, आइडेंटिटी नंबर फिफ्थ, आइडेंटिटी नंबर फिफ्थ। चलो क्या करना था बताओ? ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट। हाई बात समझ में सबको? चलो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा -2b, ये हो जाएगा -3c। सेम वैल्यू पुट कर दू? हाँ, देखना माइनस के साथ पुट करनी है हमेशा। 4a-2b, -2b, -3c, -3c और 4a। आई सबको बात समझ में? आई सबको बात समझ में? क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16a² कितना हो जाएगा? 16a² इसका 4b² इसका 9c² सब इजी इजी लग रहा है। हाँ, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8, 8 2 16, ab प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 bc, प्लस माइनस माइनस, 3 6, 6 24 ca। दिस इज माय फाइनल आंसर। आई सबको बात समझ में? कोई परेशानी किसी को? बेसिक था, इजी वाला था। 21 इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लो उस पे 3 स्टार लगा लो एग्जाम्पल 21। क्यों? क्योंकि रिवर्स वर्किंग में फिफ्थ आइडेंटिटी का यूज है। रिवर्स वर्किंग एक तो ऊपर से और उसमें फिफ्थ आइडेंटिटी, मतलब परेशानी तो होनी है। चलो क्या क्वेश्चन है? 4x²+y²+z²-4xy-2yz+4xz। आई बात समझ में सबको? आई बात समझ में सबको? अब आइडेंटिटी तो समझ गया फिफ्थ वाली है। चलो ब्रैकेट बनाते हैं अपने, अपने तो नॉर्मल वैसे ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट। यस ऑल ऑफ यू। चलो 4x किसका स्क्वायर है? 2x लिखूं इधर कि 4x लिखूं? 2x लिखूंगा, क्योंकि किसके स्क्वायर है वो लिखना है। ये y, ये z, इधर 2x, इधर y, इधर y, इधर z, इधर z, इधर 2x। अब हो गया सॉल्व, लिख लो डायरेक्ट आंसर। नहीं, क्या चीज का ध्यान रखना? यहाँ पे दो माइनस भी है, यहाँ पे दो माइनस है। अब देखो माइनस वाले टर्म के अंदर कौन सा टर्म कॉमन है? y टर्म, तो y के आगे माइनस लगा लो, y के आगे माइनस लगा लो, तुम्हारा आंसर आ गया। अभी तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2x-y+z² दिस इज योर फाइनल आंसर। आई बात समझ में सबको? कोई परेशानी किसी को? क्लियर ऑल ऑफ यू? पक्का? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हुए चलते हैं अपने। एग्जाम्पल नंबर 20, देखो अभी तक 5 आइडेंटिटी आ गई मेरे हिसाब से। ये देखो, ये फिफ्थ आइडेंटिटी का यूज हो गया, ये देखो थर्ड का यूज हो गया, ये फर्स्ट का यूज हो गया, ये फोर्थ का यूज हो गया। इन शॉर्ट सारी आइडेंटिटी का हमने एक एक बार यूज कर लिया। अब यहां से जो आएंगे एग्जाम्पल 22 से, ये आएंगे 6th, 7th और 8th आइडेंटिटी का यूज। रिवर्स वर्किंग भी, नॉर्मल वर्किंग भी।
चलो 22 में शायद दो एग्जाम्पल दिए हुए, दोनों करवाऊं? क्या बोलते हो पब्लिक, दोनों करवाऊं? चलो दोनों करते हैं। बस फर्स्ट वाला 22 का 3a प्लस 4b का होल क्यूब दिया है। क्या दिया है? होल क्यूब। क्यूब मतलब सिक्स्थ आइडेंटिटी, ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट। वैल्यू पुट करनी है यार, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है आइडेंटिटीज जितना तुम समझते थे। अब तो नहीं लग रहा होगा किसी को टफ ऐसे भी, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। 3a का क्यूब 27a क्यूब, 4b का क्यूब 64b क्यूब। सही है ना अभी तक तो? भाई देख लेना, इंसान गलती हो सकती है। चलो 3 3 9 9 4 36 ab ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। कभी भी हड़बड़ी मत करना कि एक फटाफट कर लो एक मार्क, नहीं, एक एक स्टेप करते जो आंसर गारंटी राइट आएगा। 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब, 36 3 जा कितना हो जाएगा? अब देखो कैसे करोगे, 30 × 3 90, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 108 a² b। क्या बोलते, थोड़ा इजी लगा? देखो 13 × 4 120, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 144 ab² मेरे हिसाब से मैंने सही किया है, टेक्स्टबुक के हिसाब से भी मैंने सही किया है। आई बात समझ में सबको? एग्जांपल 22 का फर्स्ट। चलो 22 का सेकंड वाला देखते, कुछ नया नहीं है, खाली माइनस में एक नंबर दिए हुए है, 5p माइनस 3q का होल स्क्वायर। 5p माइनस 3q का होल क्यूब है भाई मेरे, क्यूब है, क्यूब क्यूब वाली आइडेंटिटी है। चलो ब्रैकेट क्यूब, ध्यान रखना माइनस वाले क्यूब में सब माइनस होता है, माइनस वाले क्यूब में सब माइनस होता है। ये हो गया 5p, ये हो गया 3q, 5p 3q 5p माइनस 3q है ना। चलो 5p का क्यूब कितना हो जाएगा, 125p क्यूब, 3 का कितना हो जाएगा, 27q क्यूब, माइनस 5 इज अ 15, 15 3 इज अ 45p क्यूब। ब्रैकेट में 5p माइनस 3q, देखो अभी तो सॉल्व करेंगे नहीं, हम तो एक स्टेप लेके ही सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब, 45 5 जा कैसे करोगे, देखो इजी, 45 जा 200, 5 5 जा 25, तो हो जाएगा 225p² क्यूब। क्या बोलते हो, सही है? चलो माइनस माइनस प्लस, 43 जा 120 प्लस 15 मतलब 135p³। ये है मेरा आंसर, ये है मेरा आंसर। आया सबको समझ में? 23 24 25 और है सम्स, बस उसके बाद आज का लेक्चर खत्म, फिर तुम फ्री हो, फिर एक्सरसाइज होमवर्क सॉल्व करनी है तुमको सबको। चलो एग्जांपल 23, क्या दोनों करें? नहीं, अब दोनों नहीं करेंगे, अब तो आ रहा है तुमको। चलो क्या है, ओ नंबर्स वाले हैं तो क्या वो आता है ना, तुम कराओ नहीं तो होमवर्क। चलो 23 वाला होमवर्क कुछ नया नहीं है, जो अपन ने किया था लास्ट वैसा ही है। हिंट दूं? चलो हिंट दे देता हूं। हिंट फर्स्ट नंबर दिया है तुमको 104 का होल क्यूब, एल हिंट भी जरूरत नहीं, समझ गए सब लोग? क्या लिख सकते हो इसको, 100 प्लस 4 का होल क्यूब, अब तो आइडेंटिटी लग जाएगी। चलो होमवर्क है 23, दोनों सम्स तुम ट्राई करोगे अपने आप। यस 24th में करवा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 24th। हाँ ये अच्छा सम है, 2 स्टार दे दूं? चलो 3 स्टार दे देते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x² y प्लस 54xy². अब तुम सोच रहे हो आइडेंटिटी तो हम समझ गए, क्यूब है मतलब समझ गए, पर ब्रैकेट वाला कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, है ना, इसको कैसे रिवर्स वर्किंग करेंगे। इसके लिए मैंने तुमको बोला था कि आइडेंटिटी में दोनों पार्ट याद करना, कौन से दोनों पार्ट, देखो बता दो क्या आइडेंटिटी लगाऊं इसके लिए, ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। आइडेंटिटी वही है पर दो आइडेंटिटी दी थी, ये मैंने सीधा सेकंड वाली अप्लाई की, रिवर्स वर्किंग के लिए सेकंड वाली डायरेक्ट अप्लाई करनी पड़ सकती है। 8 किसका क्यूब है, 2x का, 27 किसका है, 3y का, इधर 2x इधर 3y इधर 2x इधर 3y। आई बात समझ में सबको, समझ में आया सबको, हो गया सॉल्व हो गया। देखो चेक करो कैसे सही है कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4,
9 4 36 है ना, 54 बना, देखो 3 2 6 और 9, 6 9 54, लॉजिक सही है भाई, अप्लाई करना आना चाहिए तुमको, समझे। अब इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं मैं, 2x प्लस 3y का होल क्यूब, दिस इज माय डायरेक्ट आंसर। आई बात समझ में सबको, क्लियर 24 एग्जांपल तक था। अब एक लास्ट एग्जांपल है और लास्ट आइडेंटिटी का यूज है वो तो देख लेते हैं अपने भी, लास्ट एग्जांपल लास्ट आइडेंटिटी, ठीक है। चलो 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz, आइडेंटिटी तो पहचान गए, 3 क्यूब y मतलब कौन सी आइडेंटिटी, 8 वाली, क्या थी, (³) + (³) - (³)-3). 8x 2x का हो गया, y का हो गया, 27 3z का हो गया, है ना। चलो वैल्यू पुट कर देते, 2x y और 3z, 3 3 9 9 2 18, सही है। देखो ये तीन वैल्यू सही इधर पुट किया, ऊपर का आंसर क्या मतलब सही है, खुश हो जाओ, अरे वाह हमने तो सही किया है, समझे सब लोग। चलो अब डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख दूं, क्या थी, (x + y + z), तो देखो x हो जाएगा 2x, y हो जाएगा y, z हो जाएगा 3z, फिर क्या था, (x²) + (y²) + (z²) - (x²) - (yz) - (z). चलो (x²) मतलब 4x का स्क्वायर, ठीक है, (y²) मतलब (y²), 3z का स्क्वायर मतलब (9z²), माइनस (xy) तो 2xy, माइनस (yz) तो 3zy, माइनस (xz) तो 3 2 6 xz, दिस इज माय फाइनल आंसर। आया सबको समझ में, क्लियर। मेरे हिसाब से सारी आइडेंटिटीज तुमको समझ में आ चुकी है, सारे एग्जांपल्स अपन ने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द चैप्टर, कंप्लीट द एक्सरसाइज, सॉल्व करो, और क्या करोगे, डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों को, और बताओ देखो आज हमने वीडियो से सीखा, हमने आइडेंटिटीज पूरी अच्छे से लर्न कर ली, हमने पूरा सॉल्व कर लिया, ये सब तुमको ही करना है। यस ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट करते रहो, नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं थोड़े ही दिनों में। यस चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइज।